कार्यक्रम के प्रारंभ में सर स्वागत उद्बोधन के हम सबके बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, सम्माननीय कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, आदरणीय भाई जयसिंह जी, सम्माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित मित्रों, हम सबका बहुत सौभाग्य। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय की शुरुआत की है उसके तहत आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस साबित हो रहा है। सौभाग्य की बात यह है, बालक, चरवाहा और गरीब लोगों को गोधन न्याय योजना से लाभ मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में पहली बार लैंडलेस, भूमिहीन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। उसके तहत भी आज राशि का अंतरण किया जाएगा और साथ ही साथ शहीद महन कर्मा जी के स्मृति में जो 3 योजना है। हमारा सौभाग्य है कि इन योजनाओं को प्रारंभ करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि जो भुगतान करने की तारीखें हैं, कि अगर उम्मीदें हैं कि 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भुगतान होना है तो उसमें 1 दिवस का भी अंतर नहीं आना चाहिए। राजीव जी के जयंती के दिन, राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से ही इन योजनाओं की शुरुआत की थी और जो तिथि निश्चित था, किसानों को ये मालूम है कि उनके खाते में उस तारीख को राशि का हस्तांतरण है। सम्माननीय बैजनाथ भैया बैठे हैं अपेक्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो ऐसी योजना है कि किसान को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी लगभग 12 किसान को आधे घंटे के अंदर ही अपने मोबाइल से सूचना मिल जाती है कि आपके खाते में कितनी राशि पहुंच चुका है। गोधन न्याय योजना उससे भी बड़ी सौभाग्यशाली योजना है। हम लोगों ने कहा था इसका जो लाभ है उसको हम लोगों ने सीधा महसूस किया है। इस हेतु भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हर 15वें दिन, माने 15वें दिन का आशा है कि 15वें दिन ही हरेली के दिन से ये गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। पिछले हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी, अब हुआ है। और इस योजना के तहत हम लोगों ने लगभग 130 करोड़ रुपया की राशि गोपालकों के खाते में हम लोगों ने हस्तांतरण कर दिया है और आज भी लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि हमारा सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव चरणों में मौजूद है। मैं सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और पूरे कांग्रेस जन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय पुनिया जी, मैं अभी कह रहा था इस तरीके से निर्देश दिए हैं और हमारा सौभाग्य है
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इन सारी न्याय की योजनाओं को हम लगातार कृत संकल्पित होकर के प्रदेश जिसके तहत 5,703 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों के खाते में हस्तांतरण किया जाना है उसकी चौथी किस्त 1,000 जी हस्तांतरण करेंगे। उसी प्रकार गोधन न्याय योजना यहाँ के गोपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उसके बारे में हमारा कमिटमेंट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर 15वें दिन ही दिन गोपालकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है। आज ये लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि गोपालकों में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो और सबसे महत्वपूर्ण योजना हमने शुरू किया है आदरणीय पुनिया जी, वो है राजीव गांधी भूमिहीन योजना। आज तक अभी कहीं लागू नहीं हुई है जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है सर। पहला किस्त 71 करोड़ रुपए की उन गरीबों के खाते में पहला जा चुका है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग गरीब लोग। और चौथी जो महत्वपूर्ण योजना है तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए पहले बीमा की योजना थी, केंद्र सरकार ने उसको वापस ले लिया, उस योजना को समाप्त ही कर दिया। तो छत्तीसगढ़ वनाच्छादित है, वनों से आच्छादित प्रदेश है और मैक्सिमम वहाँ हमारे ट्राइबल भाई का निवास है और तेंदू पत्ता का संग्रहण का काम करते हैं। मूल रूप से महुआ और तेंदू पत्ता अनुबरोक कहीं नहीं दिया जा रहा है सर, जो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। अब महुआ तो पहली सरकार जो थी वो 2 रुपया किलो में खरीदती थी सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको 30 रुपया किलो घोषित किया, बाजार में घूम रहे थे 45 रुपया में लोग खरीद रहे हैं सर। तो इतना अंतर माली हालत में गरीबों के। तो आज महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी लगभग 10 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के तहसीलों का उद्घाटन है, अनुविभाग का उद्घाटन है, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम है। लेकिन इन तीनों न्याय योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में जो गरीब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों ने हमारे गोठानों में लगभग 11,000 पंचायतों में सर गोठान का निर्माण हो गया है। ये सबसे पहला काम ये हुआ है सर, लगभग 1.5 लाख कर लिया है सर, 1.5 लाख एकड़ जमीन, चारागाह का भी जमीन लगभग इंक्रोचमेंट के भेंट चढ़ रहा था वो भी जमीन बचाने का काम। लगभग 75,000 से 80,000 उसकी शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में हो गई है सर। हर विकास खंड के एक विकास खंड में लगभग 4 गोठानों में तत्काल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की हम लोगों ने शुरुआत की है सर, शुरू कर दिया सर। तो छत्तीसगढ़ में ये गोधन न्याय योजना है, सौभाग्य से झारखंड सरकार ने अक्षरशः उसको लागू करने का फैसला किया है सर, मध्य प्रदेश सरकार फैसला किया है और मेरी जानकारी में यह है सर कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इसकी जानकारी मंगा रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये योजना किस तरीके से संचालित हो रही है। हमारा सौभाग्य सर इन सारी महत्वपूर्ण योजनाओं लोगों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा और सौभाग्य से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके फिर से स्वागत करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि एक माननीय पुनिया जी, समस्त आदरणीय गणमान्य सदस्यगण, छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाएं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का विवरण सर सभी को देने के लिए एक शॉर्ट वीडियो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। से खुशहाल हो रहा किसान, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 31 मार्च को राज्य के लाखों किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूर महत्वपूर्ण सौगात दे रही है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 31 मार्च को 20,58,000 किसानों को 1,029,31,00,000 किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने विगत 2 वर्षों में किसान परिवारों के खाते में 11,180,97,00,000 रुपए की राशि जमा की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13,62,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर इस वर्ष गोधन न्याय योजना के तहत की जा चुकी है
तो हमन हा गौठान में ले जाता न गोबर ला 2 रुपए किलो में बेचथन जेकर से मोला 40,000 मिली से एक लिए मैं सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71,38,592 रुपए की द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण किया जा रहा। ग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10,91,00,000 रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जा रहा है। मर भूपेश भी हरगना की योजना निकाली से आमदनी मुनाफा मिले है जेकर से और भूपेश भी गड़ा गड़ा बधाई। भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं के छत्तीसगढ़ मॉडल के मूल में ये दृढ़ निश्चय है कि किसानों राशि जाए। सरकार बनने के बाद से अब तक हमने 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे इन सभी के हाथों में दी है। सरकार अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि 29,00,000 करोड़ रुपए बटन दबाकर कृषकों के खाते में अंतरण करने का कष्ट करेंगे। न्याय योजना फौलादी इरादा निभाया वादा। माननीय सांसद श्री राहुल गांधी के मार्गदर्शन तथा माननीय का दूसरा वर्ष पूर्ण। वर्ष 2021-22 की अंतिम किश्त की राशि का वितरण आज 31 मार्च 2022 को डीबीटी के जरिए 20,31,31,00,000 रुपए की राशि का होगा अंतरण। इस तरह 2 वर्ष में 11,180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान हुआ छत्तीसगढ़ के किसानों। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा राजीव गांधी ग्रामीण किश्त की राशि रुपए 71 करोड़ का हितग्राहियों के खाते में बटन दबाकर अंतरण करने का कष्ट करें। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन में नया सवेरा आया जब 3 फरवरी 2022 को सांसद श्री राहुल गांधी के हाथों से हुई थी योजना की शुरुआत। तब डीबीटी के जरिए 2,000 रुपए के मान से 3,54,513 पात्र परिवारों के खाते में डाले गए थे 70,90,26,000 रुपए। आज योजना की दूसरी किश्त की राशि 2,000 रुपए प्रति परिवार के मान 4,000 रुपए का अंतरण। भूमिहीन मजदूरों के सपने साकार कर रही है भूपेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत संग्राहकों को 10,91,00,000 की राशि का सर वो राशि अंतरण हो गया सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत मुहों को न्याय गोधन न्याय योजना की राशि 13,62,00,000 बटन दबाकर अंतरण करने का कष्ट करें। Thank you.
क्षेत्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का आज एक्सपांशन किया जा रहा है सर। अभी तक ये योजना नगर निगम के आपके मार्गदर्शन से इसे आगे बढ़ा रहे हैं सर। इस योजना का संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुतिकरण सर। WHO के मुताबिक दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज में खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। 27% इलाज नहीं मिलने की वजह से हो जाती है। दवाएं जीवन रक्षा के लिए होती हैं, मगर इन्हें खरीद कर घर का बजट बिगड़ जाता है। इन्हीं समस्याओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समझा। मजदूर सुबह से लेके दिन भर मजदूरी करने जाते हैं और कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो ऐसे में जो प्राथमिक उपचार के लिए सुबह विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से जुड़ी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी बस्तियों मजदूरों के मोहल्लों के लिए लाई गई इस योजना में दाई दीदी क्लिनिक को भी जोड़ा गया। एक दवाइयां पैथोलॉजी जांच घर के मुहाने तक चलकर आई। श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से इन बसों में ही ब्लड प्रेशर शुगर सर्दी खांसी मलेरिया जैसी बीमारियों की दवा खून पेशाब जांच मुफ्त में होने लगी। 14 नगरीय निकायों में 60 बसों में मोबाइल मेडिकल यूनिट से इसकी शुरुआत की गई। अब तक 23,600 शिविर कैंपों में 17 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड की लहर में लोग संक्रमण के डर से अस्पताल जाने से कतरा रहे थे, तब इसी अस्पताल वाली बस ने कोविड से जंग जीतने में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि किसान जो है और उसके साथ मजदूर जो है की रक्षा करने वाले प्रोग्राम है, नींव को मजबूत करने वाले प्रोग्राम है। पहले चरण की सफलता के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत करने जा रहे हैं 60 और मेडिकल यूनिट। हर महीने 2,880 कैंप आपके डोरस्टेप पर। लगभग 21 लाख लोगों की होगी मुफ्त जांच। 19 लाख लोगों को हर साल मिलेगी मुफ्त क्वालिटी दवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश है इलाज के अभाव में किसी का दम न टूटे। गंभीर बीमारियां जल्द पकड़ में आए, लोग अपने काम धंधे छोड़कर गरीबों को महंगाई के दौर में मुफ्त मिले दवाएं। इस मंशा को पूरा करने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज। स्लम स्वास्थ्य योजना असर दिखाए, न छूटे रोजी न अस्पताल की दौड़, सबको इलाज सुलभ मिले दवाएं। ग्रामीण और शहरी दोनों जगह भूमिधारकों कृषकों के लिए
राजस्व प्रकरणों का समय से निराकरण बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंकन आदि के लिए राजस्व अधिकारियों के लिए समय सीमाएं तैयार की हैं, कोई भी प्रकरण समय सीमा के अगर बाहर जाए तो उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग नीचे से ऊपर लेवल तक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका प्रस्तुतीकरण। धीरे धीरे आएंगे सर, शुरुआत सर इस पोर्टल की विशेषता यह है, बताता है कोई भी प्रकरण जो निर्धारित समय सीमा जैसे किसी की 60 दिन है तो अगर 61वां दिन हुआ तो उस राजस्व अधिकारी को बाध्यता होगी कि वो उसमें उसका कारण अंकित करे कि विलंब क्यों हुआ, वो दिखने लगेगा तो तुरंत उसकी मॉनिटरिंग होके उसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा। जनता तक और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में 4 नए सब डिवीजन और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सर। 4 नवीन अनुविभाग एवं 23 नवीन तहसीलों का गठन, शासन प्रशासन को आम जनता के निकट ले जाने के सतत प्रयासों की कड़ी में जुड़ 23 नवीन तहसीलें और 4 नवीन अनुविभाग। इस तरह वर्तमान 96 अनुविभाग में जुड़ जाएंगे 4 नवीन अनुविभाग और छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे कुल 100 अनुविभाग। वही सूरजपुर जिले के भैयाथान और गरियाबंद के मैनपुर में नए अनुविभाग का गठन। वर्तमान की 179 तहसीलों में 23 नवीन तहसीलों के जुड़ने से छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी कुल 2। अब मैं माननीय वन मंत्री जी श्री मोहम्मद अकबर जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पुनिया साहब, आदरणीय महंत जी, आदरणीय ताम्रधर साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यहाँ पर पति सभी, आज शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्रहण की जो राशि जारी की गई है उसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जब थी वो जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जा रही थी, जिसमें 50% की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहन किया जाता था, 50% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन दिया गया और जो भारत सरकार की तरफ से जो 50% की राशि दी जाती थी वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद कि 13 लाख जो तेंदुपत्ता एक्सीडेंटल केस में या शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि हो जाए तो उसके कारण बहुत से लोगों की चिंता हो गई कि कोई बीमा योजना नहीं होने से अब आगे क्या होगा, छत्तीसगढ़ की सरकार देगी और 50% की राशि जो वनोपज संघ है उसकी तरफ से दिया जाएगा और इस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें मृत्यु होने पर या और दूसरे तो ये बहुत ही सराहनीय काम जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से किया गया है और 13 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जहां जहां एक्सीडेंट के इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं इसको त्वरित निराकरण करके और वो नवी योजना स्वयं के हाथ में होने के कारण तत्काल इसका निराकरण होता है। मैं इस अवसर पर बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। प्रदेश शासन के श्रम शिव कुमार डहरिया जी से अनुरोध है कि उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय सांसदगण, विधायकगण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
चीफ सेक्रेटरी महोदय और उनके सभी सम्मानित अधिकारीगण, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई एम्बुलेंस के जरिए 17 लाख से अधिक मरीजों का इलाज करते हुए अल्प समय में ही प्रदेश के शहरों में निवासरत गरीबों, श्रमिकों, महिलाओं के साथ साथ सभी नागरिकों का सुविधा का लाभ दिया है। योजना के तहत आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत बिलासपुर एवं भिलाई में डायबिटीज क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं। डायबिटीज क्लिनिक का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर किया गया। इसमें संपूर्ण महिला हेतु बस्तियों में भेजी जा रही है। दाई दीदी क्लिनिक अत्यंत महिला चिकित्सक के समक्ष महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याएं खुलकर बता पाती हैं। इस कारण यह क्लिनिक महिलाओं, किशोरी बालिकाओं के मध्य बहुत 1182 कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसमें 89,796 महिला मरीजों का भी इलाज किया गया है। 86,129 महिलाओं को दवा का वितरण किया गया। 16,114 मरीजों का लैब टेस्ट भी किया गया हेतु अब तक कुल मिलाकर 23,800 से ज्यादा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 17 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 14 लाख से अधिक मरीजों को दवा को देखते हुए इस योजना का प्रदेश की सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में 60 MMU गाड़ियों के साथ विस्तार का शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं अपितु प्रधानमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को जनता का भरपूर प्रतिसाद मिला है। उसी प्रकार प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना का लाभ समस्त नागरिक लेंगे और छत्तीसगढ़ शासन की इस महती जन कल्याणकारी योजना का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य सुविधा को अधिक आसान और सुगम बनाने के लिए शहरी गरीबों के लिए इस अभिनव योजना की नींव रखी और इस कार्य को अल्प समय सीमा में पूर्ण करने हेतु हमारा ब्रांडेड कंपनी के दवाइयां भी 60% से छूट पर दी जा रही है। मैं ANM समस्त विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मंत्री जी श्री जयसिंह अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। विभिन्न योजनाओं के तहत राशि के अंतरण अनुभाग अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय पुनिया जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी सम्माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी संसद सचिव, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी साहब और सभी सेक्रेटरी और अधिकारी कर्मचारीगण, और इसके साथ साथ राजस्व प्रकरणों के निपटारा के लिए, निराकरण के लिए एक पोर्टल का अभी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ। प्रकरणों में निराकरण करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसमें हमने नागरिकों की सुविधा और राजस्व प्रकरणों के समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यवर्धन, वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भूया सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था मंत्री जी कार्यालय, मेरे कार्यालय, मुख्य सचिव के कार्यालय, सचिव राजस्व के विभाग के कार्यालय, संचालक भू अभिलेख, संभायुक्त, इसके साथ साथ जो पहले 96 अनुभाग थे उसमें 4 नए अनुभाग का अभी शुभारंभ हुआ है, जिसमें तोकापाल, मरवाई, भयाथान, मैनपुर का गठन किया गया है, मिलेंगी। और विशेष करके जो पहले 148 तहसीलें थी, अभी आपका 23 तहसीलों का आज शुभारंभ हुआ है। 179 पहले हो चुकी थी, इसके पहले शुभारंभ गांव में लोगों को एक एक महीना तक पटवारी नहीं मिलते थे और आज गांव के नज़दीक उनको जब तहसील मिलेगी तो निश्चित तौर पे जो बोलना चाहिए कि सभी में
बड़ी सुविधा होगी। और 85 तहसीलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक घोषणा की है, इसमें आपके 6 तहसीलें विनियोग के माध्यम से और उसके पहले आपके और इसके बाद बाकी तहसीलें हैं उनका भी प्रक्रिया अभी चल रही है, जो जून तक हम लोग कंप्लीट करके इनको चालू करा देंगे, क्योंकि जून के बाद फिर सेंसेक डेटा शुरू होगा। तो फिर से सही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहें या ये कहें कि लोगों को जो सुविधाएं प्रदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम तहसीलों का खुलना, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मैंने जो इंक्वायरी की सरकार से यहाँ 85 तहसीलें शुभारंभ की जा रही हैं, तो इससे निश्चित तौर पर लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और जो राजस्व के प्रकरण है और छोटे छोटे जो किसानों के जो काम है वो आपकी तहसील नहीं मिलती थी, जो आज बिल्कुल नजदीक में तहसील मिलेंगी। और इस प्रकार से बहुत से काम जो राजस्व विभाग ने किए हैं, बहुत से नए नए निर्णय किए हैं, फैसले किए हैं, उनका निश्चित हम लोग लगे हुए हैं ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वन विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी से अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी, माननीय भाई रविंद्र चौबे जी, हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय पुनिया जी, अमरजीत जी भेड़िया, मिसेस भेड़िया जी, कवासी जी, रुद्र गुरु जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय मंडावी जी, भाई वैजनी जी के साथ ही सभी, हम सब लोग काफ़ी प्रसन्नचित हैं अंदर से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषिहीन कृषि मजदूर और गोधन न्याय योजना के नाम से जो आज राशि का अंतरण हुआ है, इसे सच मानों में कहें तो ये गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा एक कार्यक्रम है। देखता हूँ गांधी जी जो चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, और उस तरह आपकी दृष्टि हो, आपने अपने कार्य योजना से के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी मंत्रीगणों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर ढंग से इस कार्य को संचालित किया। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना निश्चित रूप से स्वास्थ्य के हमारे आम जीवन तक इलाज को पहुँचाएंगे, और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल सेवा और 4 नवीन अनुविभाग और 23 नवीन गरीबों तक उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहे, यही कहते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में निवेदन करता हूँ कि वे मार्गदर्शन के 2 शब्द कहें। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष और सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, आज राजीव गांधी न्याय 4th किस्त 1029 रुपया आज किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया, पत्ता संग्रह के अंतर्गत और भी धनराशि भेजी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी शुभारम्भ आज किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आपको और बधाई देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद आपने जो धान की कीमत पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही, और आज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि में भी धनराशि जो भेजी गई है और उसके अलावा शायद 600 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का भी, 6000 से 7000 का मुख्य रूप से क्रांतिकारी योजना है, और उसके माध्यम से जो गरीब आदमी किसान तो उससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और जो बेरोजगारी है वो भी दूर होती है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मिली है, उनको हमारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद।
आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अब मैं सम्मान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अनिल भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, गुरु रुद्र कुमार जी, इंद्र साहब मंडावी जी, प्रकाश भाई, हमारे कांकेर के विधायक और साथ ही राय जी, और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश शुक्ल जी, यूडी मीन जी और बहुत सारे हमारे विधायक साथी सब जुड़े हुए हैं और सभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित, सभी शहरी ग्रामीण किसान मितान जवान आदिवासी वनवासी सभी भाई, आज चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। हम इस नए वित्तीय वर्ष का स्वागत आज एक उत्सव की तरह कर रहे हैं, अब ये चौथा वित्तीय वर्ष और भी शानदार रहने वाला है। इस नए वित्तीय वर्ष के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट कुछ दिन पहले ही पारित किया गया, देश का सबसे विशाल बजट है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समावेशी विकास की जो नींव तैयार हुई है उस पर अब इमारत खड़ी करने का समय आ चुका है, को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, लघु उपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों के जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। इसमें किसान, मजदूर, तिलिंग सहित सभी वर्ग के लोगों का लोग शामिल हैं। चौथे वित्तीय वर्ष में हम अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती के साथ आगे योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, इसे आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लाभ की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं। इस इन्वेस्टमेंट का तुरंत लाभ मिलता है। हमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही, हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही है। हमारी सरकार पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारी इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 7.4% की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है। हमने केवल दिखावे के बंधन के जरिए बिल्कुल ठीक समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाए हैं। हमारी टाइमिंग ऐसी रही कि लोगों ने अपनी खेती किसानी और काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जब जब पैसों की जरूरत, वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,124,92,00,000 रुपये का अंतरण किया जा रहा है। के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029,31,00,000 रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान कुल 11 गोधन न्याय योजना के तहत आज 13,62,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71,08,00,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा राशि के 10,91,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। हमारी इन योजनाओं से राज्य में जिन बदलावों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव
खुली आंखों से स्पष्ट देखा जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने के बाद हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, फसल के उत्पादन में खेती को लौटा है। बीते 3 वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड, मीट्रिक टन धान की खरीदी करके अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश की खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना है। उद्यमता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। राजीव गांधी के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है जो कृषक समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राजीव ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर करने वाली योजना होने के साथ साथ मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई योजना भी है। बीते कुछ सालों में खेतों में मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ा है। इससे कृषि मजदूरों के सामने रोजगार का को अपनी जड़ों से उखड़कर शहरों को और पलायन करना पड़ा। हमारी यह योजना उन्हें जड़ों से जुड़े रखने की कोशिश है। दरअसल किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों योजनाओं के पीछे श्री राहुल जी का ही आदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा है। तेंदुपत्ता और लघु वनोपज संग्राहकों को उनके परिश्रम तथा उपज की सही कीमत, संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा दी जा रही है। संग्राहकों को बोनस और बीमा का लाभ दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु उपजों की संख्या 7 से बढ़ उनकी भी खरीदी की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में राशि वितरण के साथ साथ आज कुछ नई सौगातें भी प्रदेश के लोगों को सौंपने होगा। प्रशासन को सुगम, सरल और सुदृढ़ करने के लिए आज से 4 नए अनुभागों, 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। जगदलपुर जिले में तोकापाल को नया अनुभाग बनाया गया। इसी तरह जिलेवार नई तहसीलें इस प्रकार बनाई गई है, वो जो इस प्रकार है। बिलासपुर जिले में सीपत और बोधरी, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में चांदूर, रघुनाथ नगर और डोरा कोचली, बारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नाथघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा। राजस्व प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ और तेजी से निपटारा हो, इसके लिए इन प्रकरणों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में आज ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 को शुरू की गई। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंपों के माध्यम से मुफ्त परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को क्लिनिक योजना भी प्रारंभ किए गए हैं। योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में भी लागू किया जा रहा है और नगर पंचायतों में भी लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी। इन नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों का शुभारंभ भी किया गया है। इस सौगात के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण संरचना विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपये, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपये विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 597 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों के वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दुगुना करने में मैं घोषणा करता हूं।
प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की 3 बार लगातार देश के स्वच्छतम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। इसलिए मैं आज प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों की निधि की राशि तो भी 1.5 गुना किया जाएगा। वर्षों में मिली उपलब्धियों की बधाई, चौथे नए वित्तीय वर्ष में दुगुनी चौगुनी नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी शुभकामनाएं। और मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी करता हूं और सभी उपस्थित साथियों का को धन्यवाद देते हुए जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत आपसे अनुरोध है कि सभी अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे। वीडियो तो फिर जी साउंड आ गया तो फिर धन्यवाद, क्षमा करेंगे, मैं वर्चुअली जुड़ रहा हूं और फ्लाइट की बुकिंग 3:15 की हो पाई मैं कार्यक्रम में। सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में चल रही कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार अनेकों उपलब्धियों के बाद आज का अध्याय सफल अध्याय जुड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, माननीय निगम मंडलों के उपस्थित सभी अध्यक्षगण, सभी संसदीय सचिव, सभी उपस्थित विधायक, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीए साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण, आज वाकई में हमने जो कार्यों की जिम्मेदारी ली थी 2018 के चुनाव के पूर्व उनको क्रियान्वयन करते चले जा रहे हैं। चाहे वो किसानों को न्यूनतम 2500 रुपए की राशि जो इस वर्ष 2500 से भी आगे बढ़ गई, चाहे तेंदुपत्ता श्रमिकों के भूमिहीन किसानों की राशि, स्व सहायता समूह को मिलने वाली राशियां, गोबरधन न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में उठाए गए, विभाग की ओर से अपनाए गए नवीन प्रणालियां, नए प्रशासनिक इकाइयां, देश में कीर्तिमान बनाने वाली संख्या की इकाइयां, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मोहल्ले मोहल्ले में उपलब्ध कराने की दिशा में काम, सुधार की गुंजाइश रहती है लेकिन स्वास्थ्य विभाग का काम शहरी विकास विभाग कर रहा है। और ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है, एक बार कैबिनेट में भी इसके बारे में बात हुई, विधानसभा में भी इस बार भी विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है। आज MMU के माध्यम से जो सेवा नागरिकों को मिल रही है यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर है कि बिना आपके जेब से खर्चा हुए निशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं आपको सुलभ माध्यम से उपलब्ध हो सकें। और ये तमाम उपलब्धियों के लिए और जो नई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार और मुझे भी अवसर दिया कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नए वाहनों को फ्लैग ऑफ करने के लिए बाहर पधारने का कष्ट करेंगे।
पीछे ना आने दीजिए ना, पीछे किस तरफ जाइए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। Thank you.
चालू हो गई, नाम बदलने की राजनीति भी एक बार और चालू हो गई। राजीव गांधी बिल्डिंग बनी थी उसका नाम बदल रहे पीएम के नाम से, तो ये तो सीधे सीधी बात है कि लोगों के मन